Don't forget to subscribe and check out our gaming partner Indie Gaming for funny and awesome videos that they make every day. पिछले एपिसोड में आप लोगों ने देखा। Hi, it's me, Jagadak. Guess what? I'm back. Welcome everybody to Custom Story Episode 2. आज का एपिसोड Training to become a pirate. अरे चाचा जैक, मैं तो बोलता हूँ वो जग्गा डाकू को घर में घुस के मारते हैं। तो चिंगिस, किसी को पता नहीं जग्गा डाकू रहता कहाँ है। उसके लिए वी नीड अ मैप ऑफ इन्फिनिटी। तो आपके पास नहीं है क्या वो मैप ऑफ इन्फिनिटी? नहीं, मैप ऑफ इन्फिनिटी कर्स चेस्ट के अंदर है। और वो कर्स चेस्ट कहाँ है? जो कर्स शिप्ट है वो फ्लाइंग डचमैन जहाज के अंदर है। हाँ तो हम लोग ले आते हैं ना फिर। ये इतना इजी नहीं है। फ्लाइंग डचमैन का कैप्टन है डेवी जोन्स। इज द किंग ऑफ द डेड ऑफ द ओशन। वो मरे हुए लोगों को समुद्र में रास्ता दिखाता है और उसके पायरेट की शिप पे सारे डेड पायरेट है जो डे के टाइम तो नॉर्मल जैसे ही लगते हैं। जैसे ही उन पे चांद की रोशनी गिरती है वो अपने असली फॉर्म में आ जाते हैं और उनको मारना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। इसलिए तुझे पहले अपनी पायरेट ट्रेनिंग कंप्लीट करनी पड़ेगी बंटी मामा के पास जाके। अच्छा ठीक है, मैं कर लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ओके, टेलीपोर्टर मशीन में बैठ जा, आई विल स्टार्ट इट। ठीक है? ओके, आई एम रेडी। 3, 2, 1 गो। और एक चाचा जैक, मैं आपके पुराने घर में आ चुका हूँ। होपफुली मुझे यहाँ से रास्ता मिल जाए। मुझे मामा बंटी के पास जाना है प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पे कुछ है क्या मामा? आपकी पुरानी तलवार। मैं ब्रेड और वो ले रहा हूँ चाचा जैक, होपफुली यू वोंट माइंड। और बाय द वे चाचा जैक, ये मेरे सर पे क्या है? इट्स अ टेलीपोर्टर मशीन ताकि हम तुझे वापस डेवी जोन शिप या अपने घर पे टेलीपोर्ट कर पाए। अच्छा ठीक है, कोई नहीं, मैं मामा बंटी को ढूंढ लेता हूँ। आई हैव दिस बोट। आपने मुझे इलेक्ट्रॉनिक बोट देनी चाहिए थी। मुझे पता नहीं आपने मेरे को कैसी बोट दे दी, बट एनीवेज ओके, हम यहाँ से निकलते हैं एंड होपफुली हम हमारे मामा बंटी को ढूंढ लेंगे। ये पुरानी बोट कितनी अच्छी है वैसे, पर मुझे ऑटोमेटिक चाहिए थी, बट होपफुली चलो ये भी चलेगी। एनीवेज मुझे मामा बंटी को ढूंढना है। मामा बंटी आप हो कहाँ? वो पायरेट शिप के पास थे, चाचा जैक ने बोला था वहाँ पे हमें मामा बंटी मिल जाएंगे। वो हमें थोड़ी सी ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद हम डेवी जोन से लड़ने जाएंगे, क्योंकि डेवी जोन से हम डायरेक्ट नहीं लड़ सकते क्योंकि वो बहुत हार्ड हो जाएगा। मामा बंटी आप कहाँ पे हो? मुझे कुछ दिख नहीं रहा है यहाँ पे। हेलो 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 हेलो, यहाँ पे मैं पार्क कर देता हूँ अपनी शिप बोट। टिन 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 टिन। मामा बंटी आप कहाँ पे हो? हाय 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 मामा बंटी, कैसे हो आप? हाय हेलो बड़ा, आप अच्छी कर जे। पहले वो बॉक्स में से वो पोशन लेके अपने ऊपर डाल ले ताकि हम तेरे से ट्रेनिंग चालू कर पाए। अच्छा ठीक है, ये लेना है ना, ये तलवार और ये। ठीक है, ये टोपी मेरे पे अच्छी लगेगी वैसे। वो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ, मैं पायरेट लग रहा हूँ। ओए ओए, मैं मामा बंटी आपके जैसा दिख रहा हूँ, देखो सेम टू सेम। होपफुली हम दोनों अच्छे लग रहे हैं। आपकी थोड़ी हाइट बढ़ी है। ये पोशन डालना है ना? ठीक है, मैं देख लेता हूँ। वो मैं पायरेट लग रहा हूँ। I'm a pirate man, I'm a pirate. All right, मैं टोपी अभी उतार देता हूँ अभी के लिए। मामा बंटी पक्का पोशन मेरे को वो पायरेट की स्किल दे देगा ना? ठीक है, आई विल ट्राई, होपफुली ये चल जाए। ओके रेडी स्टडी गेट इट गो। नहीं नहीं हुआ। मामा बंटी आपने तो बोला था ये चल जाएगा, ये चल ही नहीं रहा है। हाँ ऑल राइट, एक और कोशिश करता हूँ, एक और कोशिश। वो मैं चढ़ गया, मामा मंडी ये चल गया। वो दैट्स सो कूल मैन, मेरे पास पायरेट की पावर आ गई। ऑल राइट, लेट मी जस्ट सी, यहाँ पे कहीं से कुछ ना कुछ रास्ता होगा। उनकी ट्रेनिंग मुझे कंप्लीट करनी है ताकि मैं फटाफट डेवी जीन्स को हरा सकूँ। हमारे पास बस एक दिन का ही टाइम है, सो लेट्स गेट डाउन। आउच, यहाँ से रास्ता गए बाहर का, यहाँ पे से निकलना होगा। ऊपर चढ़ जा, ऊपर चढ़ जा। There we go. Okay. Whoa. हमारे पास नई पावर्स आ गई है। होपफुली हम उससे डेवी जोन्स के क्रू वालों को हटा देंगे। वो मैं कैसे चल रहा हूँ? Alright, डेवी जोन्स के लोगों, मैं तुम्हें मारने आ जाऊंगा। This training is gonna be little bit tough.
ऑलराइट गाइस, अब हमारी ट्रेनिंग चालू करने वाले हैं, मामा बंटी की मेन ट्रेनिंग। उन्हें बोला पहले ही पायरेट शिप पे चढ़ना है, तो होपफुली हम चढ़ पाए। इट्स प्रीटी इजी फॉर मी आई गेस, क्योंकि मुझे लगता है ये थोड़ा हार्ड पड़ेगा। मैं ऊपर कैसे जाऊंगा इतनी ऊंचाई पे मैन? ऑलराइट लेट्स डू दिस, होपफुली हम कर ले, क्योंकि मामा बंटी ने मुझे वो नया पोशन दवाई दी है जिससे हमारे पास पायरेट की पावर आ जाएगी। वो आई एम डूइंग मैन, होल्ड ऑन, रुक जा, उठ जा, पहुंच जा ऊपर। अरे यार, ऑलराइट लेट्स डू दिस। वो ओ भाई, आई हैव गॉट दिस कूल पावर मैन, इट्स सो कूल। ऑलराइट मैं ऊपर जा सकता हूँ और ऊपर जा सकता हूँ। ऐसे मेरे को डेवी जोन्स के शिप पे चढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वहां पे उनके जो मेंबर्स हैं उनके पास एक सीक्रेट पावर है। अगर मैं गिर गया तो मैं मर गया। ओके। ट्रेनिंग ये बस अभी बेसिक ट्रेनिंग चालू हुई है, एडवांस ट्रेनिंग के लिए मुझे आगे उस पर फॉलो करना पड़ेगा। ऑलराइट हम आ गए, एंड निकलते हम यहाँ से। ऊपर पहुँच जा सेनोरिटा। ये पानी में। वो हम पहुँच गए। ऑलराइट लेट्स स्टार्ट विद द मेन ट्रेनिंग मामा। ये कंप्लीट हो गया, मैंने शिप का कंप्लीट कर लिया। अच्छा ठीक है, मैं समझ गया। ओके, यहाँ से कहीं से रास्ता होगा पीछे जाने का। वो क्या है पता नहीं, मुझे पहले यहाँ पे चढ़ना पड़ेगा। चोर लगा के हई शाह, दम लगा के हई शाह। ऑलराइट मेरे को ऊपर जाना है। देयर वी गो। वाओ, ये पायलट ट्रेनिंग मेरे को एकदम प्रॉपर वो कर देगी, पायलट बना देगी। होपफुली हम डेवी जोन्स को हरा दे, क्योंकि मामा चाचा जैक कह रहे थे उसके पास एक कर्स चेस्ट है जिससे हम वो जग्गा डाकू को हरा सकते हैं। बट वो चेस्ट के अंदर कुछ ऐसा सामान है, बट उसके लिए अभी हमें उसे की भी ढूंढनी पड़ेगी। बट पहले तो चेस्ट की बात, जो भी चेस्ट बंदा पहले लेगा, ओह वाओ दैट लुक्स कूल, जो भी बंदे को चेस्ट मिलेगा कहते हैं उसको एक श्राप लग जाएगा। आई डोंट नो व्हाट दैट श्राप इज। ये क्या है? आर यू सीरियस, मैं इतनी ऊंचाई से कैसे चढ़ूंगा? ठीक है, आई एम गोना डू इट मैन फॉर द ट्रेनिंग। सो लगा के हई शाह, दम लगा के हई शाह। मेरी परछाई दिख रही है, मैं बहुत डरा हुआ हूँ, पता है? तुम देख रहे हो वहाँ पे मेरी परछाई है, देखो। अरे मैं गिर ना जाऊँ, बहुत टफ है ये बहुत ऊंचाई पे है। वहाँ पे देखो राइट साइड में मेरी परछाई भी दिख रही है चलती हुई। अरे यार, वो मेरी परछाई है, देखना। बारिश, अरे मैं फिसल जाऊँगा, बारिश क्यों हो रही है? चाचा मेरे को इतनी हार्ड ट्रेनिंग क्यों दे रहे हो? मामा बंटी बहुत बुरे हैं, मेरे को इतनी बुरी ट्रेनिंग देते हैं, इतनी हार्ड सी ट्रेनिंग। मैं गिर गया तो मैं मर जाऊंगा, मेरा राम राम सत्य हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आई एम गोना गो देयर, आई एम गोना डू दिस ट्रेनिंग, कंप्लीट हो जाएगी ट्रेनिंग। बिजली कड़क रही है, आई एम डेड, आई एम सो डेड। मैं मर जाऊंगा। ओह, मैं यहाँ पे लटका हुआ हूँ, तुम देख रहे हो कितनी ऊंचाई पे हूँ मैं, होपफुली मैं मर ना जाऊँ। ठीक है, मैं पहुँच गया, ट्रेनिंग खत्म। बच गया। अब नेक्स्ट क्या करना है मामा बंटी? टॉर्च इसको फॉलो करो, वो पेड़ पे चढ़ जाओ। ठीक है, फॉलो द लाइट्स। लाइट्स कहाँ पे है? यहाँ पे है, ठीक है, मिल गई। आर यू सीरियस बंटी मामा, मुझे इतना बड़ा पेड़ चढ़ना पड़ेगा? मैं गिरूंगा तो यहाँ से मेरी हड्डी पसली एक हो जाएगी। अच्छा ठीक है, आई एम ट्राइंग, मैं होपफुली कर लूँ। ऊपर से लाइट भी आ रही है, मुझे डर लग रहा है इतने से अगर मैं गिरा तो बहुत गंदा मैं गिरूंगा, लाइक मेरे हाथ पैर टूट जाएंगे। एंड दिस इज़ द हार्डेस्ट ट्रेनिंग एवर मैन। या पहुंच गया। बारिश बंद हो गई क्या? नहीं, बारिश हो रही है, अपन भी पेड़ के अंदर है सो इतनी प्रॉब्लम नहीं आ रही, बट आगे जाके और प्रॉब्लम आएगी मुझे ऐसा लग रहा है। या बॉय मैन, दिस ट्रेनिंग इज़ सो हार्ड, इससे अच्छा तो मैं घर पे बैठ के माई टॉकिंग टॉम खेलता। ऊपर चढ़ जा, गिरना मत। बॉय दिस पायरेट ट्रेनिंग इज सो हार्ड मैन। आर यू सीरियस मैन, मैं कैसे करूँगा ये?
चाचा जैक आपकी ट्रेनिंग, अच्छा मामा बंटी को समझा दो, इतनी हार्ड ट्रेनिंग दे रहे हैं मेरे को। मैं मर गया, मैं बच गया। ओ वो क्या है, मैं कितनी ऊंचाई पे हूँ तुम लोग देख रहे हो? लाइक वो रेंज जहाँ पे हमने वो ट्रेनिंग की थी उससे डबल ऊंचाई पे है, और भी ऊंचा है। मैं रो जाऊंगा, आज तो मेरी आखिरी दिन आ गया है मेरा। एनीवेज कहाँ से जाना था हमें? या बॉय ओके, यहाँ पे गिरना मत, कुछ भी हो जाए गिरना मत। हाँ बच गया, मेरे को ऊपर जाना है ना। हाँ कितनी ऊंचाई पे आ गए देख रहे हो, बर्फ गिरने लगी, मेरे को सर्दी हो रही है मंटी मामा, मुझसे ये सब मत कराओ। अरे बर्फ गिर रही है यहाँ पे, तो कितने ऊंचाई पे आ गया हूँ मैं, अब मैं अगर मरा यहाँ से तो मेरी आत्मा भी जम जाएगी। ले मी जस्ट जंप। ठीक है, गिरना मत, कुछ भी हो जाए गिरना मत, मेरे को डर लग रहा है यहाँ से मैं गिरा पूरी मेरी मेहनत खराब हो जाएगी। जाऊँ कहाँ से, रास्ता कहाँ पे? बंटी मामा आपने ऐसा मेरे को ट्रेनिंग में क्यों दिया है? ऑलराइट, ऑलमोस्ट देयर, मैं पहुँच गया। बंटी मामा आप क्या करना है? वह चेस्ट के अंदर एक टेलीस्कोप होगा और आगे डेविड जोन्स का एक बेस है, यू गॉट फाइंड दैट विद दैट टेलीस्कोप, और वहां पे होंगे डेविड जोन्स के मैन। ठीक है मैं ले ले रहा हूँ। ये क्या टेलीस्कोप? ये टेलीस्कोप है? अरे मेरे को असली पायरेट वाली फीलिंग आ रही है। ओके, लेट मी सी, ये टेलीस्कोप चल रहा है क्या? ओ ये टेलीस्कोप चल रहा है, अब मैं असली पायरेट बन चुका हूँ। या बॉय मैं अपनी टोपी पहन लूँ? आर यू किडिंग मी, मेरे को ठंडी लग रही है तेरी बर्फ में। भागो, मैं मर जाऊंगा। अरे भाई ये क्या है, यहाँ से सब कुछ दिख रहा है, वो वहां पे जाना है। अरे यार मैं रो रहा हूं, मैं जाऊंगा कैसे नीचे? पंटी मामा मैं नीचे कैसे जाऊं, मुझे बताओ जल्दी। You gotta jump from there, वहां से तुम्हें leap of faith लेना होगा। Leap of faith? Are you serious? यहां से मैं कूदूंगा मेरी हड्डी की चटनी भी नहीं बचेगी, मेरी आत्मा को मोक्ष की शांति मिल जाएगी। ठीक है alright guys I'm doing this, हंसना मत। एक तो ये इनकी टेलीपोर्टर मशीन चाचा जैक की काम नहीं करती, मेरे सर पे एक गंदा सा काला सा टोपा रख दिया है। मैं दौड़ते किससे? हाँ ठीक है, वो लीप ऑफ फेथ काम कर जाना। वो दैट वाज सो कूल, हम आ गए, मैं आ गया बंटी मामा यहाँ पे। गोल्डन एप्पल, लैंटर्न, चाकू, ओ नानपुरी चाकू, कॉम्पस, टोपी तो मेरे पास ऑलरेडी थी, लैंटर्न, अरे मेरे पास लाइट आ गई, अब आई एम असली पायरेट। मुझे करना क्या है अब यहाँ से? डेविड जोन्स के क्रू के मेंबर्स उस बेस के पास आएंगे, उनको ढूंढ। अच्छा ठीक है मैं ढूंढता हूँ, होपफुली वो मुझे मिल जाए, वहाँ से डेविड जोन्स का उनका शिप का पता चल जाएगा ना मुझे। ठीक है यहाँ से मैं छुप जाऊँ क्या? ठीक है मैं यहाँ से छुप जाता हूँ, मैं बोट ले लेता हूँ, अपनी बोट में अंदर रख दूँ। टन 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 टन, मैं हूँ असली पायरेट फाइनेसली। मेरी बोट अटक गई, निकल जा, खुल जा सिम, या देवी गो। ऑलराइट हमें बस इंतज़ार करना है उन लोगों का, मैं यहाँ पे देख लूँ वो लोग आएंगे कहाँ से। ज़रा मैं देखूँ ज़रा, ये इनका इलाका है। ठीक है मेरे पास लैंटर्न चालू कर लूँ, क्योंकि मुझे लगता है यहाँ से कहीं से आएंगे वो लोग। ठीक है मैं यहाँ पे उनका इंतज़ार करता हूँ, और जैसे ही वो आएंगे मैं उनको मार दूँगा। इधर से उनकी गन भी मिल जाएगी ना मुझे। ठीक है ये आखिरी मिशन है ना? ठीक है इसके बाद मेरी ट्रेनिंग ख़त्म। हाँ ठीक है ओके मैं कर देता हूँ। वाह चढ़ जा, आखिरी अब मुझे उनका इंतज़ार करना है यहाँ पे। ऑलराइट वो लोग जब तक आएंगे तब तक मैं उनका इंतज़ार करता हूँ, यही वो एरिया है जहाँ पे वो लोग आने वाले हैं। मेरी तलवार रेडी है और मैं उनको मारने के लिए रेडी हूँ।
ये लोग आ चुके, आई गॉट टू बी केयरफुल नाउ। मुझे रात तक वेट करना पड़ेगा जब तक ये लोग अपनी आधी पावर और ट्रू फॉर्म में ना आ जाए। वैसे भी दिन के टाइम अगर मैंने इनको मारने की कोशिश की, लोग मरेंगे नहीं। ऑलराइट, रात हो चुकी है, अब इन लोगों पे हम लोगों को हमला करना चाहिए, क्योंकि अब ये लोग अपने हाफ वीकनेस पे अब ये लोग अपना ट्रू फॉर्म दिखाएंगे। मुझे देखना पड़ेगा ये लोग है कहाँ पे। What the hell? ये क्या चीज है? अब पता नहीं, बट पहले मैं उन लोगों को पकड़ू, ये लोग कहाँ पे है मुझे ध्यान रखना पड़ेगा। तो दिख नहीं रहे हैं लोग। ओ, ये लोग अपने असली फॉर्म में आ गए। ऑलराइट, इट्स टाइम टू शो मी द रियल पायरेट स्किल। ये लोग अपने असली फॉर्म में आ गए। देखो, इनको मारना पड़ेगा। हट जा। The one is down, another one is down. अब ये क्या चीज है? Alright guys, आज का वीडियो का एम है 10,000 लाइक। जैसे ही इस वीडियो पे 10,000 लाइक आएंगे, हम कस्टम स्टोरी एपिसोड 3 बनाएंगे, क्योंकि अब मुझे पता नहीं कितने लोगों को मजा आ रहा है। अगर तुम्हें सीरीज में मजा आ रहा हो तो कमेंट नीचे करना मत भूलना। मोटा भाई, कस्टम स्टोरी एपिसोड 3 जल्दी बनाओ। सो आई एम गोना मेक एन एपिसोड 3 देन ओनली। और बाय द वे, नए हो तो सब्सक्राइब करो। अगर तुमने पूरी स्टोरी नहीं देखी हो तो तुम लास्ट से प्लेलिस्ट देख सकते हो एपिसोड 1 से। सो दैट वाज प्रीटी मच इट। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड आई एम फाइनली साइनिंग आउट।